नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठे हैं। योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपके आदेश के बाद भी ये अधिकारी लोग हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। अब जब आपका हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया तो अब आपको किस बात का इंतजार है? एक भी प्रतिशत विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर घोटाला करते। अगर इन्होंने घोटाला न किया होता तो आज हम अंदर नौकरी कर रहे होते, 4 साल से पीड़ित नहीं होते। मैं तक कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को पूछना चाहता हूं, हम लोग पिछले 4 साल से सड़कों पर मारे पीटे जा रहे हैं, तभी शिक्षा मंत्री कहां थे? जो काम अगर 3 दिन में हो सकता है, 3 दिन छोड़े से 3 घंटे में जो काम हो सकता है, उसे हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप, हम उसके लिए 3 महीने का टाइम लेना चाहते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं कराई जा सकती, इसलिए पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और नई सूची बनाकर सभी की नियुक्ति की जाए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से इस प्रकरण का समाधान करे और एक शेड्यूल जारी करके बताए कि हम पीड़ितों की नियुक्ति कब की जा रही है। अमरेंद्र पटेल ने कहा कि कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है, केवल एक मीटिंग की है। हमारी मांग है कि सरकार हमारे चयन संबंधित प्रक्रिया को कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दे। SERT कार्यालय पर बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी डटे हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई सूची जारी कर इस भर्ती को पूरा किए जाने का आदेश दिया है, किंतु विभाग के सुस्त रफ्तार के चलते आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को सताया जा रहा है। इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारी कहीं षड्यंत्र रचकर मामला सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचा दें। यदि ऐसा हुआ तो आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लंबे संघर्षों पर एक बार फिर पानी फिर जाएगा। नाम एकता, मैं जौनपुर से हूँ। चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का जीओ जारी हो जाए और हम लोग यहाँ से चले जाए शांतिपूर्वक। सरकार से यही मांगे कि हम लोग का जल्द से जल्द जीओ जारी किया जाए। 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन मांगा गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 90 डे अगर आपने टाइम मांगा है तो 90 दिन जब कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा आप जीओ जारी करेंगे। टाइम जो है सही तरीके से लगाया जाए, मतलब जो है 1 महीना 2 महीना या फिर हमें टाइम ड्यूरेशन बता दिया जाए कि हाँ भाई आज हम निकाल दे रहे हैं जीओ, फिर उसके बाद आपके घर चले जाए, क्योंकि घोटाला हुआ है इसलिए घोटाला बोल रहे हैं। और इसको स्वयं योगी जी ने माना है, उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। सर कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, हम लोग को नियुक्ति पत्र दें। बहुत संघर्ष हो गया है, 6 साल से हम लोग संघर्ष कर बहुत कर चुके हैं। अब एक मतलब इतना मतलब वो नहीं है कि हम लोग संघर्ष करते हम पढ़े लिखें फिर इसके बाद में धरना करें, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। बहुत हो गया संघर्ष, अब अधिकारी जो इन्होंने घोटाला किया है, एक तो घोटाला करते हैं अधिकारी और कम से कम मुख्यमंत्री जी इनकी बातों पे विश्वास करते हैं, खुद से उसका वो नहीं करते कि हाँ कम से कम देखें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जो अधिकारी करते हैं जितनी भी मतलब चीज़ें हुई हैं सब अधिकारियों की इसमें खामियां हैं। तो हम इतना कहना चाह रहे हैं कि संघर्ष बहुत हो गया, आप बस अब हम लोग को नियुक्ति पत्र दें, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, नियुक्ति पत्र दें और हम लोग को स्कूल। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो चयन सूची अभी 6800 की रद्द की गई है, उसके बाद में अभी हम लोगों को पहले कहा जाता था कि आपका जो है केस जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब हम कोर्ट से जीत के आए हुए हैं, कोर्ट ने खुद माना है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, 3 महीने के अंदर इनको नियुक्ति दी जाए व जनरल के अभ्यर्थियों को समायोजित वगैरह कुछ भी पॉलिसी बना के किया जाए वो आप करें,
जो इच्छा हो आप उनके साथ वो सलूक करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप हमें हमारी नियुक्ति दीजिए, और हम इसलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि हमें इन बेसिक शिक्षा के अधिकारियों पे 1% विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर घोटाला करते हैं। अगर इन्होंने घोटाला ना किया होता तो आज हम अंदर नौकरी कर रहे होते, 4 साल से पीड़ित नहीं होते। हम समझ लीजिए हरदोई से किस तरह आते, अपने 2 बच्चों को छोड़ के, हमारी बूढ़ी सासू माँ चल नहीं पाती हैं, हम उनको छोड़ के आए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, धक्का समझ लीजिए। रात को हमारे बहनों को जो है, हम सभी लोगों को उठा दिया गया यहाँ से और एक होटल में ले जाके छोड़ा गया। कौन जिम्मेदार है इसका? अरे हमें तो खुद नहीं लगता कि हम यहाँ भी सुरक्षित हैं, और ये कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोगों की भाई पिछली बार धरनों में कपड़े तक फाड़े गए, लड़कियाँ कितनी चोटिल हुई हैं। अब जब इतना मतलब आदेश आ गया है तब भी वो हम लोग की कोई सुध नहीं ले सकते हैं। जनरल के लिए तरह तरह की पॉलिसी बना रहे हैं। अभी कल जनरल वालों का एक बैंक का निकला हुआ था कि जो है रिकवरी, उनको कोई लोन वगैरह ना किया जाए, रिकवरी कराई जाए। शाम को क्यों हट गया? जनरल वालों ने एक दिन भी धरना दिया, एक व्यक्ति भी उनका बोला, तब भी उनके लिए बिना बोले ही सब कुछ मिल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करिए, हमें हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र देकर हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचाया जाए। और जो ये समय है 3 महीना, ऐसे पिछली बार भी खेल हुआ था, 3 महीने का ऑर्डर था कि 3 महीने के अंदर, अयोध्या से हैं अर्चना शर्मा नाम है, 3 महीने का ऑर्डर था, सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था, 3 महीने से ज़्यादा आज तक का समय हो गया है सर, और अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला है। अब जब आपका हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो अब आपको किस बात का इंतजार है? जो आप किसका, या आप सबसे सुपीरियर हो गए हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से सुपीरियर हो गए हैं, हाई कोर्ट से सुपीरियर हो गए हैं, जो आप अपने आप को समझ रहे हैं इसलिए उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द 3 महीना नहीं 3 दिन के अंदर हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए, नहीं तो यहाँ से सिर्फ लाशें जाएंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। बस हम ये कहना चाहते हैं कि क्या माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपके आदेश के बाद भी ये अधिकारी लोग हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग ऐसे दर दर भटकते रहेंगे? 4 साल से ज़्यादा हो गया है सर, अभी हम लोग को न्याय नहीं मिला है। हमारे घर वाले बेइज्जती, हमको शर्म आती ये कहकर कि हम धरने में जा रहे हैं। आखिर कितना झूठ बोलेंगे समाज से, गांव में अपने घर वालों से कैसे समझा के आते हैं, कैसे क्या करते हैं अपनी नौकरी के लिए? आखिर कब मिलेगी हम लोग की नौकरी? जो कि हम लोग नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं कि हम लोग गलत हैं और उसके लिए मांग कर रहे हैं, हम लोग सही हैं। अब तक तो हम लोग की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, हमारी जगह पर सवर्णों को नियुक्ति दे दी गई। हम ये नहीं कहते कि उनको निकाला जाए, उनके लिए योगी जी हैं काफ़ी हैं, मगर हम लोग को नियुक्ति दे दें और हम लोग अपने अपने विद्यालय पहुँच जाएँ, बस यही निवेदन करते हैं। और इन अधिकारियों को, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके इनको भी जेल डाला जाए, क्योंकि इन्हीं के वजह से हम लोग की भर्ती लटकी, हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हुई है सर। बस हमें न्याय मिल जाए जल्दी से जल्दी। हम सभी शिक्षक साथी इससे पहले 640 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ SAIT लखनऊ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके षड्यंत्र पूर्वक OBC/ST समाज के हजारों छात्रों को नौकरी से वंचित किया, और OBC/ST समाज के छात्रों की जगह योगी सरकार ने सवर्ण समाज के छात्रों को अवैध रूप से नियुक्ति पत्र दिया। 13 अगस्त 2024 को डबल बेंच का ऑर्डर आया जिसमें सरकार को ये आदेश किया गया कि योगी सरकार पूरी जो चयन सूची और शिक्षक भर्ती से द्वारा बनाए और जो छात्र नौकरी से वंचित किए गए उन छात्रों को न्याय दिया जाए। लेकिन एक हफ्ता बीतने के बावजूद भी बेशिक्षा विभाग द्वारा उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमें बेशिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं है, ये अधिकारी बार बार गुमराह करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 29 अप्रैल 2021 को NCVC की रिपोर्ट आई थी उसके बावजूद भी हम लोग सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद 23 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने इस घोटाले को स्वीकार किया, 24 दिसंबर 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने घोटाला स्वीकार किया, उसके बाद 5 जनवरी 2022 को 6800 छात्रों की चयन सूची जारी की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बने 640 दिन के प्रोटेस्ट के बाद भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से नहीं मिले। उससे भी बड़ी सर श्रम की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज से आने वाला एक मृतकोटे का शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आज ये बयान दे रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि 3 महीने में चयन सूची जारी की जाए। मैं
मैथक कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से पूछना चाहता हूँ, हम लोग पिछले 4 साल से सड़कों पर मारे पीटे जा रहे हैं, तभी शिक्षा मंत्री कहाँ थे? जो काम अगर 3 दिन में हो सकता है, 3 दिन छोटे से 3 घंटे में जो काम हो सकता है, उसे हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप, हम उसके लिए 3 महीने का टाइम लेना चाहते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं मानना चाहता हूँ कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जिस शिक्षा मंत्री की बात को उसके विभाग के अधिकारी न मानते हों, और विभाग के अलावा सरकार में शिक्षा मंत्री कोई बैलन हो, ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।